क्वेश्चन नंबर वन थर्ड पार्ट एक्सरसाइज 4.3 फोर एक्स स्क्वायर प्लस 4√3 टाइम ऑफ एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0 पेज नंबर इज 87 पेज नंबर 87 क्वेश्चन नंबर वन थर्ड पार्ट फोर एक्स स्क्वायर प्लस 4√3 एक्स प्लस 3 प्लस 0 तुम सारा दिन जो है घूमते रहते हो अब सुनिए स्टेप नंबर वन मेरा कुछ आगे स्टेप नंबर वन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हम वन बनाएंगे स्टेप नंबर वन स्टेप नंबर वन के अकॉर्डिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वन बनाना है जो कि इस वक्त मेरे पास 4 है तो ये वन तब बनेगा जब करेंगे डिवाइड इसको हम 4 से सो 4x² / 4 प्लस 4√3/4 इंटू एक्स प्लस 3/4 इक्वल्स टू 0 इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस √3 टाइम ऑफ एक्स प्लस 3/4 इक्वल्स टू 0 यहां तक आ जाएंगे स्टेप नंबर वन फॉलो करने के बाद स्टेप नंबर टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स चेक करते हैं जो इस वक्त √3 है उसका हाफ करेंगे तो मिलेगा √3/2 और फिर करेंगे उसका स्क्वायर तो मिलेगा √3/2 दी होल पावर 2 इस टर्म को हम एक बार ऐड करेंगे और एक बार इसको ही माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा x² + √3x मैं अभी ऐड कर रहा हूं उसको √3/2 दी होल पावर 2 हमेशा फर्स्ट 2 टर्म के साथ उसको ऐड करना है और लास्ट टर्म जो दी हुई थी वहां पे 3/4 उसके बाद माइनस कर देना है इक्वल्स टू 0 ऐसे करने से फर्स्ट 3 टर्म्स हमेशा स्क्वायर बनेंगी कैसे पता लगाएंगे आप किसका बन रही है स्क्वायर तो फर्स्ट टर्म देखिए थर्ड टर्म देखिए फर्स्ट टर्म से एक्स लेंगे थर्ड टर्म से √3/2 लेंगे साइन लेंगे यहां से प्लस है तो प्लस आ जाएगा पावर 2 लगा दीजिए यदि किसी को कोई डाउट है तो इसको ओपन कर लेना वापस आपको 3 टर्म ही मिल जाएंगे अब चलते हैं लास्ट में +3/4 माइनस इसको ओपन कीजिए 3/2 × 3/2 तो बनेगा 3/4 इक्वल्स टू 0 कट जाएंगे आपस में सो वी हैव एक्स प्लस √3/2 द होल पावर 2 इक्वल्स टू 0 अब इसको मैं लिख सकता हूं कुछ इस तरह से कि x + 3/2 × x + 3/2 जैसे होता है ना एक्स स्क्वायर इसको लिख सकते हैं एक्स इंटू एक्स स्क्वायर ऑफ 2 को लिख सकते हैं 2 × 2 तो मैंने यहां पे इसको दो बार मल्टीप्लाई में लिख दिया है अब एक बार रखेंगे आप इसको इक्वल टू 0 सो x + √3/2 = 0 तो एक्स आ जाएगा -√3/2 फिर रखेंगे हम दूसरे फैक्टर को तो यहां से एक्स आएगा -√3/2 तो इस तरह से मेरे पास में एक्स की दो वैल्यू आ गई है दोनों सेम है निगेटिव में है -√3/2 यही आंसर है क्वेश्चन नंबर वन पूरा हो गया अपने यहां पे क्वेश्चन नंबर टू में वो कह रहे हैं फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन इन क्वेश्चन नंबर वन उन्होंने क्वेश्चन नंबर टू में कोई भी इक्वेशन नहीं दी है वो कह रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर वन में जो 4 पार्ट्स दिए हुए थे उन्हीं को लेके चलिए और उन्हीं 4 पार्ट्स को दोबारा सोल्व कीजिए इन द मेथड ऑफ डी फॉर्मूला क्वेश्चन नंबर वन में हमने अप्लाई किया कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और क्वेश्चन नंबर वन को ही दोबारा से करना है
डी फॉर्मूला से, डी फॉर्मूला होता है एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन ट्वाइस ए। तो सबसे पहले जो स्टेप नंबर वन होता है डी फॉर्मूले में, आपको जो भी इक्वेशन दी गई है उसकी कंपेयर कराएंगे आप स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ, वो होती है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। वहां से आप स्मॉल ए स्मॉल बी और स्मॉल सी की वैल्यू को निकालेंगे, क्योंकि इन तीनों वैल्यू को हम आगे डी फॉर्मूले में यूज करते हैं। निकाल के एबीसी की वैल्यू फॉर्मूले में रख देंगे, सोल्व करेंगे, एक बार लेंगे प्लस साइन तो पहला आंसर आएगा, फिर बाद में लेंगे माइनस साइन दूसरा आंसर आएगा। क्वेश्चन करा रहा हूं अभी, सेकंड पार्ट देखिए आप, क्वेश्चन नंबर वन का ही सेकंड पार्ट विद द हेल्प ऑफ डी फॉर्मूला। टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस फोर इक्वल्स टू जीरो। डी फॉर्मूले के लिए सबसे पहले आप उसको कंपेयर कराएंगे, कंपेयर इट विद स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। इस दी हुई इक्वेशन की कंपेयर कराएंगे आप, इससे कंपेयर कराने का सिर्फ इतना ही पर्पज है कि हमें ए बी सी मिल जाए। ए मीन्स कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी मीन्स कोफिशियंट ऑफ एक्स एंड सी इज कॉन्स्टेंट टर्म। सो ए इज टू, बी इज वन एंड सी इज माइनस फोर। अब इसके बाद में आप डी फॉर्मूला यूज करेंगे। डी फॉर्मूला ध्यान रखना, यदि इक्वेशन एक्स में दी हुई है तो वो एक्स में आएगा, इक्वेशन यदि वाई में हुई कि टू वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस फोर तो फिर वाई आएगा। यहाँ पे वेरिएबल जो भी यूज किया गया है, यहाँ पे मान लो यहाँ पे टी यूज किया उन्होंने, आपको दिया कि टू टी स्क्वायर प्लस टी माइनस फोर इक्वल्स टू जीरो, तो सर आप लिखेंगे टी इक्वल्स टू। तो वेरिएबल को ध्यान रखें, ऐसा ना हो कि आप हमेशा उसको एक्स के बराबर ही मान के चले, क्योंकि अभी x वेरिएबल यूज हुआ है यहां पे, तो हम लिखेंगे x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन ट्वाइस ए। ये डी फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले के अंदर आप a b c तीनों को उनके प्लेस पे रख दीजिए, सॉल्व कर लीजिए, आंसर आएगा x इक्वल्स टू माइनस बी, वो मेरे पास में इस वक्त वन है, प्लस माइनस अंडर रूट स्क्वायर ऑफ बी मीन्स स्क्वायर ऑफ वन माइनस फोर ए, वो टू है, सी माइनस फोर है अपॉन ट्वाइस ए, ए इज टू। इसको और सिंप्लीफाई कीजिए, माइनस वन प्लस माइनस अंडर रूट, ये बनेगा मेरे पास वन माइनस माइनस प्लस फोर टू जा एट इंटू फोर थर्टी टू अपॉन टू टू जा फोर। ठीक है, चलिए आगे। एक्स इक्वल्स टू माइनस वन प्लस माइनस अंडर रूट थर्टी टू और वन ये, तो ये बन गया थर्टी थ्री अपॉन फोर। अब एक बार प्लस लेंगे तो पहला आंसर आएगा एक्स इक्वल्स टू माइनस वन प्लस रूट थर्टी थ्री अपॉन फोर, और दूसरी बार लेंगे आप माइनस, तो आंसर आएगा माइनस वन माइनस रूट थर्टी थ्री अपॉन फोर। तो इस तरह से दो वैल्यूज आ जाएंगी, दो आंसर बता करके आएंगे। ये क्वेश्चन पूरा हो गया। क्वेश्चन देखिए आप थ्री, पेज नंबर 88। क्वेश्चन नंबर थ्री में दो पार्ट हैं, दोनों को सोल्व करना है विद द मेथड ऑफ एलसीएम। क्वेश्चन नंबर थ्री फर्स्ट पार्ट, x माइनस वन अपॉन एक्स इक्वल्स टू थ्री।
x माइनस वन अपॉन x इक्वल्स टू थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री ये फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है और सेकंड पार्ट दिया है वन अपॉन x प्लस फोर माइनस वन अपॉन x माइनस सेवन इक्वल्स टू अलेवन अपॉन थर्टी। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहां अपॉन में x है और इधर x के अपॉन में आप 1 एज्यूम कर लीजिए, 1 और x दोनों का लीजिए आप एलसीएम जो कि x आएगा। अब 1 से कीजिए डिवाइड इस x को, 1 से x x टाइम डिवाइड होगा x मिलेगा आपको, उस x की मल्टीप्लाई इस x में होगी तो बनेगा x स्क्वायर। x से डिवाइड करेंगे इस x को 1 टाइम डिवाइड हो जाएगा, उस 1 की मल्टीप्लाई 1 में होगी तो आएगा माइनस 1 इक्वल्स टू 3। 3 को एज्यूम कर लीजिए एज अ 3 अपॉन 1 और अब करेंगे इसकी हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। सो x स्क्वायर माइनस 1 की मल्टीप्लाई 1 में होगी तो बनेगा x स्क्वायर माइनस 1, 3 की मल्टीप्लाई x में होगी तो बनेगा 3x। उसके बाद टोटल अमाउंट जो भी होगा राइट साइड में उसको आप ट्रांसफर करेंगे राइट से लेफ्ट में तो आएगा मेरे पास में एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस वन। ठीक है, अब इसके फैक्टर क्या, इसके फैक्टर हो जाएंगे क्योंकि जब कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई जो कि मेरे पास अभी इस वक्त 1 है, कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो इस वक्त मेरे पास 1 है यदि मैं उसकी मल्टीप्लाई इस 1 में करता हूं तो मिलता है 1 इंटू 1 1। अब 1 कैसे, दो फैक्टर जिनको मल्टीप्लाई करें 1 मिले और माइनस करें तो 3 मिल जाए, पॉसिबल नहीं है तो यहां पे हमें अप्लाई करना पड़ेगा डी फॉर्मूला। मैंने बताया भी था कि जब फैक्टर ना हो रहे हो किसी इक्वेशन के तो हम उस केस में डी फॉर्मूला यूज करेंगे और जिससे हमें आंसर मिल जाएगा। अब डी फॉर्मूले के लिए पहले हम इसकी कंपेयर कराएंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो यहां से ए आएगा 1, बी आएगा माइनस 3 और सी आएगा माइनस 1। उसके बाद हम लिखेंगे कि x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी अपॉन ट्वाइस ए। इस फॉर्मूले के अंदर हम वैल्यू रिप्लेस कर देंगे ए बी सी की, पहले रखेंगे हम वैल्यू यहां पे बी के लिए माइनस बी मेरे पास में है माइनस 3, सो माइनस माइनस 3, एक माइनस होता है फॉर्मूले में, एक माइनस वहां से आया है, प्लस माइनस अंडर रूट स्क्वायर ऑफ बी मीन्स स्क्वायर ऑफ माइनस 3 और माइनस 4, ए मेरे पास 1 है सी माइनस 1 है अपॉन ट्वाइस ए, ए मेरे पास 1 है। सो एक्स इक्वल्स टू 3 प्लस माइनस अंडर रूट स्क्वायर ऑफ माइनस 3 बनेगा 9 और ये बनेगा मेरे पास में 4, सो 9 प्लस 4, चलिए 2 इंटू 1 2। सो एक्स इक्वल्स टू 3 प्लस माइनस रूट 13 अपॉन 2। तो इस तरह से x की मेरे पास में दो वैल्यू आ गई है, एक बार लेंगे आप पॉजिटिव और एक बार लेंगे आप निगेटिव। जब पॉजिटिव लेंगे तो आंसर आएगा 3 प्लस अंडर रूट 13 अपॉन 2 और जब लेंगे आप निगेटिव तो आंसर आएगा x इक्वल्स टू 3 माइनस रूट 13 अपॉन 2। अब लेके चलते हैं दूसरी इक्वेशन को, सेकंड पार्ट को, जल्दी कर लो यार। चलिए अब सॉल्व करना है सेकंड पार्ट को, सेकंड पार्ट में x प्लस 4 और x माइनस 7 यहां लेंगे आप एलसीएम तो ये बनेगा x प्लस 4
इंटू एक्स माइनस सेवन, दोनों आ जाएंगे एलसीएम, ये भी और ये भी। अब इसके बाद में इससे डिवाइड करो आप इन दोनों को, तो जब इससे डिवाइड करेंगे इन दोनों को तो इससे कट जाएगा, जो सेम होगा कट जाएगा, ये बचेगा x माइनस सेवन और इसकी मल्टीप्लाई फिर वन में होगी तो आ जाएगा x माइनस सेवन माइनस, माइनस के बाद हमेशा यूज करें आप ब्रैकेट को क्योंकि साइन फिर बदलेंगे, ठीक है। x माइनस सेवन से डिवाइड कीजिए इन दोनों को तो x माइनस सेवन से कट जाएगा, x माइनस सेवन बचेगा x प्लस फोर और ये वन की मल्टीप्लाई में ऊपर जाएगा तो बनेगा x प्लस फोर और इधर आ जाएगा 11 अपॉन 30 एज इट इज। इसको सिंपलीफाई कीजिए, x माइनस सेवन माइनस की मल्टीप्लाई होगी अब अंदर ब्रैकेट में तो बनेगा माइनस x माइनस फोर अपॉन, इसको मल्टीप्लाई कीजिए x विद x, x स्क्वायर x इंटू माइनस सेवन माइनस सेवन एक्स, फोर इंटू एक्स फोर एक्स एंड प्लस माइनस माइनस, फोर सेवन या 28 अब x से x कट जाएगा, सेवन और फोर दोनों हो जाएंगे एड क्योंकि दोनों निगेटिव में, माइनस माइनस एक मिनट बैठे रहो कुछ बनाना है, एक मिनट एक x से x कट जाएगा, मेरे पास बचेगा माइनस 11, मुझे क्वेश्चन कराना है, माइनस 11 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स, मेरे पास यहाँ बचेंगे माइनस 11 अपॉन 30। अब इसके बाद में 11 से 11 कट जाएगा, मेरे पास बचेगा माइनस 1 अपॉन मुझे सिर्फ एक क्वेश्चन कराना है, ये दो तीन मिनट लेगा मुश्किल से, माइनस 28 इक्वल्स टू 1 अपॉन 30। अब कर देंगे आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 इक्वल्स टू माइनस 30, इसको आप लाएंगे राइट से लेफ्ट में तो बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 क्योंकि 30 आएगा पॉजिटिव होगा 28 माइनस हो जाएंगे तो बचेगा यहाँ प्लस 2। अब इसके आप कर लेंगे फैक्टर तो बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2 क्योंकि 2 बन जा 2 जो 3 है वो जाएगा 2 प्लस 1, यहां से दोनों में से x कॉमन लेंगे तो बनेगा x माइनस 2 और इनमें से लेंगे आप माइनस कॉमन तो बनेगा x माइनस 2 इक्वल टू 0, दोनों फैक्टर सेम आ गए हैं तो बाहर ले लेंगे इसको कॉमन, यहां से बचेगा x और यहां से बचेगा माइनस 1 इक्वल टू 0, इसको रखेंगे इक्वल टू 0 तो आंसर आएगा 2, इसको रखेंगे इक्वल टू 0 तो आंसर आएगा 1 और ये दोनों आपके आंसर।